कुछ ऐसा यहाँ पर ये बनाया जाएगा, रेलवे के ऊपर ब्रिज दोस्तों, उसका देखो जो उसका रैंप बनाने का काम है वो किया जा रहा है उधर की साइड में। देखो दोस्तों ये बर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये बनाया जा रहा है यहाँ पर। ये देखो लोड रोलर भी, देखो ये मिट्टी एक तार की जा रही है। इस रेलवे लाइन को देखो क्रॉस करवाया जाना है दोस्तों। देख सकते हो ये लगा दिया इन्होंने और यहाँ पर क्रॉस करवाया जाएगा इसको। ये रेलवे लाइन आ चुकी है सिकंदरा राव की। देखो यहाँ का क्रॉस करवाया जाएगा, बस यही रोको। देखो दोस्तों ये से क्रॉस करवाया जाना है, तो देखो ये हैं पिलर कुछ, और उधर देखो वहाँ पर जो जेसीबी लगी हुई है चल रही है, काम कर रही है। और देखो ये स्टील के गाटर हैं कुछ, ये कंक्रीट के गाटर हैं, उधर स्टील के गाटर हैं, तो वो रखे जाएंगे इसके ऊपर। तो चलो मैं आप लोगों को उधर से ही दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इसको क्रॉस करवाया जाना है दोस्तों। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाले पिलर बचे हुए हैं दोनों साइड के। अभी आप लोगों को उधर से भी मैं दिखाऊंगा कि रेलवे लाइन को किस तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा, ये स्टील के गाटर द्वारा काम किया जाएगा दोस्तों, काम किया जाना है। देखो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है जो इस पर असेंबल कर रही है, और अब इन पर रखे जाएंगे ऊपर, देख सकते हो। तो अभी ये बचे हुए हैं और ये है रेलवे लाइन, और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सिकंदरा राव का रेलवे स्टेशन, वो आगे देखो वहाँ पर स्टेशन है दोस्तों उस जगह पे। तो ये वर्क चल रहा है जो क्रॉस करवाया जाना है। तो ये तो सिंगल लाइन है, इधर आपकी चली जाती है दोस्तों सिकंदरा राव, और तुम्हारा इधर क्या बोलते हैं, नाम भूल गया हूँ, मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा दोस्तों। देख सकते हो तस्वीरें, उधर रैंप बनाया जा रहा है, इधर देख सकते हो स्टील के ये खंभे असेंबल किए जा रहे हैं, जो कि काम चल रहा है इस टाइम पे। देखो आगे भी उधर वो बनाया जा रहा है, तो उधर भी जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इधर से घुमा कर दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है इस पर दोस्तों। और देखो वो रेलगाड़ी आ चुकी है दोस्तों, यानी कि रेल आ रही है उधर से, और वो आ रही है, आपको बता दूं दोस्तों पता कहाँ से आ रही है, वो आ रही है आपकी मथुरा वृंदावन की साइड से। तो बस यही जो पार्क चल रहा है वो यही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो तस्वीरें कुछ इस तरीके से ये असेंबल किया जा रहा है इसको। तो इसको अभी कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा अभी।
इसको जब क्रॉप करवाया जाएगा दोस्तों, तो जल्दी ही क्रॉप करवा लिया जाएगा। देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर यह काम चल रहा है, तो जल्दी ही काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो रैंप बनाने का काम चल रहा है अभी, बहुत सारी मिट्टी डाली जानी है इधर की साइड में, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। ये गाटर तो शायद ये पहले ही बना लिए जा चुके थे। देखो पिलर नंबर 183 प्लस 116, तो बस यही सीन है यहाँ का दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि ये रैंप बनाने का काम चल रहा है, उधर मिट्टी डाली जा रही है, उसको असेंबल किया जा रहा है दोस्तों। अर्थवर्क का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, और वहाँ पर स्मॉल व्हीकल अंडर पास भी देखो वहाँ पर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो यही नज़ारे हैं यहाँ के। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और जो जगह है दोस्तों, ये जगह है सिकंदरा राव, और सिकंदरा राव में ही ये रेलवे के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है, और जब जाकर ये कंप्लीट होगा दोस्तों। तो कुछ ये सीन है यहाँ का, देख सकते हो ये बनाया जाएगा रेलवे के ऊपर ब्रिज दोस्तों, ठीक है। तो चलो अब मैं आप लोगों को उस साइड से दिखाता हूँ चल के कि वहाँ पर कितना कुछ काम बाकी रह गया है करने के लिए, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। बीच में ले लेना, बीच में बीच में आराम से, आराम से वीडियो बन रही है। बंद कर लो, दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीरें कि यहाँ तक तो ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और ये यहाँ पर है अंडरपास, जो कि इसको अंडरपास को क्रॉस करेंगे और ये सीधा एटा के लिए निकलेगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखो मिट्टी डालने का काम चल रहा है, अब वो रेलवे लाइन पर देख सकते हो ब्रिज बनाया जाएगा, तो उसी वजह से यहाँ पर ये रैंप बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। और देखो कुछ इस तरीके से ये पट्टी लगाई जाती है, जो कि बहुत ही मजबूत होती है, रेशम का धागा होता है दोस्तों, रेशम का धागा और प्लास्टिक। तो देखो ये यहाँ से क्रॉस करेगा, इस तरीके से ये क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस करने के बाद में ये एटा के लिए चला जाएगा। इधर का ये बचा हुआ है, जो कि ये जल्दी ही बन के कम्प्लीट हो जाएगा। देख सकते हो रैंप तो बिल्कुल मतलब कि 90% बन चुका है रैंप,
बस इसमें मिट्टी डाल के और इसको ओके कर देना है अब, और आगे रेलवे लाइन का तो उस पर थोड़ा सा, क्योंकि रेलवे खुद ही बनाती है तो इस वजह से वहाँ पर रेलवे में टाइम लगता है बनने में दोस्तों, ठीक है। तो हम आएंगे अब इसके नीचे से निकलें, नीचे से निकलेंगे तो हमें उधर से आना है, हाँ, और ऐसे निकल जाएंगे एटा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये रोरी बजरी की देखो लेयर ये बिछा दी इन्होंने यहाँ पर, बस ये बिल्कुल बन के अब इसमें पैरा फिट वॉल लग जाएंगे दोस्तों। कुछ ये सीन है यहाँ का, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। तो आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। दोस्तों कुछ ये सीन है, देख सकते हो ये रैंप बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल अंडर पास है, बीकर अंडर पास स्मॉल, ये वाला जहाँ मेरी उंगली है, देख सकते हो यहाँ से ये रैंप बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि वो रेलवे लाइन पे, वो रेलवे लाइन के ही पिलर हैं दोस्तों जो क्रॉस करवाएगी ये रेलवे लाइन को। देख सकते हो ये वाले पिलर हैं जो रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे, और दोस्तों इसमें अभी कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा बनने में दोस्तों। देख सकते हो दोनों साइड में ये रैंप बनाने का काम चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में, और ये जो जगह है ये है सिकंदरा राव, और सिकंदरा राव में ही बस यही पैच बचा हुआ है, और बाकी तो ये हाईवे बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो चलिए आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।